तो उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण का चुनाव और उससे पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे 3 दिन बाद यानी 7 मार्च वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें वाराणसी जिला भी आता है। और इस बीच ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें देखिए जरा। तो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वाराणसी में शुरू हुआ था। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ उत्साह देखिए लोगों का, जो देखते ही बन रहा है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से फूलों की पंखड़ियों से लदी हुई गाड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जहां से गुजर रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं और रणवीर गोदोलिया पर मौजूद हैं, जहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं गोदोलिया और जानते हैं रणवीर से कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा गोदोलिया के लोगों को प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। रणवीर, देखिए पीएम मोदी का काफिला अब गोदोलिया की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो सफ़ेद लाइट है, ये पीएम मोदी के आगे चल रही गाड़ियों का हुजूम है। और उसके बाद पीएम मोदी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये बड़ा रोड शो है, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। और इस दक्षिणी सीट पे पीएम अभी जहां मौजूद हैं उसी जगह पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसको क्रॉस करके अभी पीएम मोदी गुजरे हैं। कुछ दिन पहले जब पीएम यहां पहुंचे थे, लोकार्पण किया था काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, उस वक्त भी पीएम मोदी जब गुजरे थे तो बड़ी भीड़ थी। और आज जो चुनावी रोड शो हो रहा है, इस रोड शो में भी देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। आएंगे फिर योगी ही का गाना बज रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से देखिए बीजेपी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो अथर पांडे? क्या बोल रहे हो आप? मैं नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहे हैं। जी को देखने आए? हाँ, मोदी जी के देखने आए। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तस्वीर जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो समर्थक यहाँ पर गानों पर झूमते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं और उनकी झलक पाने के लिए घंटों से लोग यहाँ मौजूद हैं। तो किस तरीके से पीएम का यहाँ पर क्रेज, अपने सांसद को देखने के लिए जो क्रेज दिखाई दे रहा है उस तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। जबकि पीएम का काफिला अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जय श्री राम का नारा लग रहा है। वो जो भगवा झंडा मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने, उस पर बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखा हुआ है। और यहाँ एक तस्वीर बड़ी खास हो जाती है कि पीएम मोदी के साथ ये लिखा है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये नारा मुझे याद है 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, संतों को संबोधित किया था, तब तो योगी जी मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था राम काज कीजे बिना मोहे कहा विश्राम। और आज जब राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, विंध्याचल धाम का कॉरिडोर का काम चल रहा है, ऐसे में ये जो नारा है, ये जो दोहा है, इसकी पंक्तियां महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए किस तरह का उत्साह है, ये महिलाएं भी खड़ी। मैम कहाँ से आई है? मैं यही ऊपर, मतलब पास में ही हम लोगों का घर। पीएम मोदी को देखने आए, सांसद मोदी को देखने? पीएम मोदी और सांसद मोदी दोनों फैन है हम लोग तो उन लोगों उनके। आज अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आपके शहर में, थोड़ी देर बाद रोड शो करने वाले हैं। किस तरह की लड़ाई है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।